खनियादाना थाना में नवीन पदस्थ थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने आने के बाद ही अपराधियों और अपराधों व अवैध शराब पर नकेल कसने का काम प्रारंभ कर दिया है। नकेल कसने के बाद से खनियादाना में अपराधियों में खलबली मची हुई है। इसी क्रम में 17 फरवरी को खनियादाना के ग्राम सिनावल में एक निजी कार्यक्रम के दौरान रात्रि में डीजे की मशीनों को चोरी कर लिया गया था। तीनों अपराधियों का काम केवल डीजे की मशीनों को चोरी करना था। इन तीनों अपराधियों ने बामोर कलावा पिछोर से भी डीजे की मशीनें चोरी की थी। चोरी की गई डीजे की मशीनों की चोरी की पड़ताल करते हुए खनियादाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा व पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की गई तो पूछताछ में आरोपी ने अपने दो और अन्य साथियों की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों को भी खनियादाना पुलिस ने धर दबोचा। ऐसे में खनियादाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में आरोपियों ने क्षेत्र में खनियादाना पिछोर व बामोर कला से डीजे की मशीनें चोरी करना कबूल किया। चोरों से करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत नोन मशीनें खनियादाना पुलिस द्वारा बरामद कर ली हैं व आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है। आर्यन लोधी राजनगर के रहने वाले हैं। इनकी मशीनें सिनावल में लगी थी भागवत में, वहाँ से अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी। उसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ था। तत्परता से जांच करते हुए पुलिस ने तीन आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी का नाम अनीश खान है जो इंदार का रहने वाला है, एक आरोपी पारसिंह कुशवा है जो करेरा का रहने वाला है, और एक आरोपी है उमेश परिहार जो भोती का रहने वाला है। इन लोगों से मशीनें बरामद किए हैं। इन लोगों से पूछताछ पर इन लोगों के द्वारा बामर कला और पिछोरों की भी चोरी को कबूल किया है। इस संबंध में भी अन्य चोरी जो हुई है उस संबंध में उनसे गहरी पूछताछ की जा रही है। इतना सामान बरामद, करीब 1.5 लाख रुपए का सामान बरामद हो चुका है अभी तक।